अधूरे मुनिवर के जो काम पूर्ण करो ले करुण का नाम। अधूरे मुनिवर के जो काम पूर्ण करो ले करुण का नाम। यही है गुरुवर का आदेश, न जब तक चैनी हो जाए नहीं तब तक ले।
आने की, बोले शांति के दाता शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले मम संरक्षण दादा की, बोले धर्मेंद्र पद्मावती मात की, दादा गुरुदेव एका भवतारी चर्चा चक्रवर्ती पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की, सुद्रमा पाठ में विराजित गुरु भगवंतों की, चंदन बाला के पाठ को सुशोभित करने वाले सभी माँ साध्वी प्रवरा की, भाग्यशाली बंधों नमकार मंत्र का जाप गुरु भगवंतों के सानिध्य में माँ सती प्रभा के सानिध्य में हुआ। जो जो जोड़े का जाप में यहाँ उपस्थित हुए लगभग काफी नाम हमारे पास, मगर दस लक्षणी जी का कार्यक्रम चलने के कारण हमारे एसएसडीएन संघ शास्त्री पर समन्वय और एकता का परिचय है, जहाँ सभी जन समाज एक होकर के हमारे परवाधिराज व दस लक्षणी का कार्यक्रम का कार्य मनाया जाता है। उन कार्यक्रम के बीच में भी हमारे को दादा गुरुदेव श्री जयमल जी महाराज साहब का 312वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने का सुअवसर मिला। हेलो, साथ में नवकार मंत्र का जाप आप और हमने किया। अब कार्यक्रम मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ होगा। सबसे पहले मैं गुरु भगवंत अति योगी श्री धैर्य मुनि जी महाराज साहब, गौर तपस्वी श्री कैलाश नगर से पूज्य नरेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पूज्य युवा मनीष से प्रखर व्याख्याता श्री मनीष मुनि जी महाराज साहब, विकास मुनि जी महाराज साहब, मुनि जी महाराज साहब, विकास मुनि, विकास, विकास मुनि जी महाराज साहब, वे सभी मां सती प्रभा के चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करती हुई तपाचार्य जयमाला जी महाराज साहब की ओर से, समस्त साध्वी वृंद की ओर से आपके मंगलमय प्यार की सुख साधा पूछते हुए मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप अपना संग, आप अपना कार्यक्रम समझ करके संसारी लोग तो फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, कैसे भी टू व्हीलर फोर व्हीलर से यहाँ उपस्थित हो सकते हैं, मगर मैं अभिनंदन और वंदन करती हूँ वहाँ साध्वी प्रवरा और गुरु भगवंतों का, जो लगभग 6-6 किलोमीटर का व्यास करके हमारे एसएस जैन संघ शास्त्री पार्क को संघ के ऊपर और गुरु माता के ऊपर मेहरबानी करके आप यहाँ पधारे। रास्ते में अगर कोई भी अभिनय साधना तकलीफ हुई हो तो मैं गुरु भगवंत में गुरु माता से मिच्छा में टुकड़म अभिनय साधना के लिए माफी मांगती हूँ। ऐसे ही आप हमारे ऊपर, हमारे संघ के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज साहब आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए आदि योगी पूज्य श्री धैर्य मुनि जी महाराज साहब, नेपाल शिरोमणि महासाध्वी श्री संजू जी महाराज साहब, आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज के शिष्य श्री नरेंद्र मुनि जी महाराज, विकास मुनि जी महाराज, आदा खाने दो का कैलाश नगर में चतुर्मान से वहां से पधारे, साथ में महासाध्वी श्री राधा जी महाराज जो शास्त्री पारक को माइक का मानती, जिनको शास्त्री पारक से बहुत लगाव है और शास्त्री पारक वालों को उनसे बहुत ही प्यार है, लगता है वो भी अपने शिष्या को यहाँ पे कृपा करके भेजिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महासाध्वी राधा जी का कि उन्होंने कृपा करके
और लक्ष्मी नगर से सबसे दूर है तो अभी क्या है, लक्ष्मी नगर है, वहां से आप पधारे। मैं बहुत बहुत उनको वंदन सुख सदा पूछती हूँ कि उन्होंने कृपा की। साथ में नेपाल शिरोमणि मां साहब जी, संजू जी महाराज, मां साहब जी, सुभा जी जो केतवाड़ा हमारे प्रधान जी सामने विराजमान है, जिन्होंने हमारी बहुत सेवा की और इतने सरल और धर्मनिष्ठ श्रावक है ये, तो वो भी आने वाली थी लेकिन अनायास बड़े महाराज जी का तबियत अस्वस्थ होने के कारण से वो नहीं पधारे। अपनी मंगल भावनाएं गुरुणी के चरणों में उन्होंने अर्पित किया है। प्रश्न मना मां साहब जी, मंजुला जी महाराज, इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को हमारी ओर से संघ की ओर से बहुत बहुत वंदन अभिवादन करती हुई मैं आपकी सुख साधा पूछती हूँ। ऐसे ही आपकी स्नेह प्रसाद हमारे ऊपर होती रहे, बस मैं यही मंगल कामना करती हुई कार्यक्रम को आगे की ओर ले जा रहे हैं। साथ में हमारा सब्जेक्ट रहेगा भीष्म प्रतिज्ञाधारी एका भवावतारी दादा कुबेर श्री जयनंद जी महाराज साहब। मैं मंगलाचरण करते हुए मां साधु को निमंत्रण करूंगी। बोलो बोलो नवकार, बोलो बोलो नवकार, बोलो बोलो नवकार, बोलो बोलो नवकार, नमो नमो हरिंद्वार, बोलो नमो नमो हरिंद्वार, नमो नमो हरिंद्वार, नमो नमो श्री सीतारण, दादा गुरुदेव पूज्य आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज साहब का 312वां जन कल्याण यहाँ पर मना रहे हैं। मैं श्री एस एस जैन सभा शास्त्री पार्क और चतुर्मा सेवा समिति की ओर से आए हुए सभी श्रद्धालु और गुरु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ मेरा निवेदन है कि बाहर से जो भी शास्त्री पार्क के अलावा बाहर से जो भी श्री संघों के प्रधान अध्यक्ष या महामंत्री आए हैं वो कृपया स्टेज बना हुआ है वहां पर मंच पर आसीन हो। कार्यक्रम के जो समारोह अध्यक्ष हैं श्री कमलकांत शशिकांत जैन जी दिल्ली। और कमलकांत शशिकांत जी के बारे में मैं बता दूं, ये पूर्व में शास्त्री पार्क के ही निवासी थे। हमारे
वरिष्ठ श्रावक श्री विमल कुमार जैन काल जी के नाम से जो यहाँ पर फेमस थे, हालांकि वो यहाँ नहीं रहते पिछले कुछ समय से, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे प्रति इतना ज्यादा है कि हमारी कभी भी किसी बात को वो टालते नहीं है। जब से मुझे याद है, अठाइयों के बाद बड़ी पंचमी से अगले दिन जब 24 घंटे वाला जाप का समापन होता है, उसमें जो प्रभावना होती है वो इसी परिवार की तरफ से होती है। पहले विमल जैन कागजी फाइल वालों की तरफ से हुआ करती थी, और उनके बाद उसी परंपरा को उनके सुपुत्र श्री कमलकांत शशिकांत जैन आगे बढ़ा रहे हैं। कभी भी उन्होंने इसमें कोई मतलब दूसरे ने का नाम आया ही नहीं, एक ही नाम हमारे पास शुरू से चलता आ रहा है इसी परिवार का। और इस बार भी जब उनसे इस बार भी हमारे प्रधान जी श्री धर्मपाल जी ने उनसे निवेदन किया कि इस तरह से कार्यक्रम है, गुरुदेव श्री जयमल जी महाराज साहब का जन कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं और उसके अंदर आपको समारोह की अध्यक्षता करनी है, तो उन्होंने तुरंत हाँ की, एक सेकंड के लिए भी ना नहीं की, बिना सोचे समझे बोले जी जैसी आपकी आज्ञा उसको मानते हैं। तो अगर चंदन बाला मंडल चाहे तो पहले उनका ही भजन, चंदन बाला मंडल की प्रधान और महामंत्री या जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर भजन करना है उनको, वो कृपया आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। महाराज साहब की जय, पूज्य गुरु श्री चंद प्रभा जी महाराज साहब की जय हो। बोलो तो वंदना भक्ति के साथ सबके प्यारे हो गुरु बीच भर में नैया है किनारा कब से बाहर से आए हुए गुरु भक्त कोई भी यदि कुछ बोलना चाहते हैं पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के बारे में, तो मेरा निवेदन है कि कृपया अपने नाम को हमें दे दें। श्री जयमल जी महाराज साहब जिनके
312वें पावन जन्म जयंती दिवस है और इसके साथ ही मां साध्वी श्री चंद्र प्रभा जी महाराज साहब की भी 50वीं जन्म जयंती है। उनको भी हम अपने पुरानी शासन चंद्रिका साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब की ओर से बहुत बहुत जन्म दिवस के उनको बधाई देते हैं, शुभ मंगल कामनाएं उनको देते हैं। तो महापुरुषों की जन्म जयंती उनके गुणानुवाद उनके गुण स्मरण किस लिए याद किए जाते हैं? जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कुछ नया करके दिखाया है, जैसे लोग मान्यता है कि गंगा में नहा करके व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, जैसे गंगा कलर रसो चंद्रमा जिसके अंदर एक एक खूबी है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं आचार्य पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जिनके विषय में कुछ कह पाना असंभव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो बड़ी साधु वंदना है जिसका आप हर रोज पठन पाठन किया करते हैं, वो बड़ी साधु वंदना जयमल जी महाराज साहब द्वारा ही रचित हुई है। उन महापुरुष के अनंत गुण उनके जीवन के सिद्धांत जो करुणा प्रेम अहिंसा जहाँ जहाँ पर में उन्होंने विचरण किया वहीं पर अंधकार से जो व्यक्ति भरा हुआ था जिसके आत्मा में अंधकार छाया हुआ था वहाँ पर उन्होंने प्रकाश किया। कोई भी व्यक्ति है जब वह अंधकार में होता है चारों ओर अंधेरा होता है उसके पश्चात जब वह प्रकाश में आ जाता है उसको अलग से अच्छा महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अब अंधेरा छोड़ करके प्रकाश की ओर आ गया हूँ। तो ऐसे न जाने कितने असंख्य प्राणियों का कल्याण आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब जिनके सन्निधि में आकर के हुआ, उनके श्री चरणों में जो भी भक्तगण बैठते वो फूलों की भांति मुस्कुराया करते थे, क्योंकि जो महापुरुष स्वयं भी फूलों की भांति हमेशा सुवासित रहा करते थे, तो विचार कीजिए उनके श्री चरणों में आने वाला भी फूलों की भांति सुवासित रहा करता था और अपने समस्त दुखों से दूर रहा करता था। जो भी कोई दरिद्र व्यक्ति अभावग्रस्त व्यक्ति उनके सानिध्य में आया श्री चरणों में बैठा वो व्यक्ति संपन्न होकर निकला, उसकी जो झोली है परिपूर्ण हो गई, क्योंकि उनका जीवन स्वयं पूर्णता से भरा हुआ था। तो फिर आने वाले भी परिपूर्ण होकर के जाया करते थे। जीवा छोटी पड़ जाती है, लेखनी कम पड़ जाती है, लेकिन उनके जो गुण है उनके जो जीवन के अंदर उनका जीवन जो परिपूर्णता से भरा हुआ था उसके विषय में कह पाना असंभव है। तो ऐसे जो महापुरुष है जिनका जीवन इस जग के अंदर आकर के फूलों के समान महकता है, तो ऐसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के आप और हम सभी मिलकर के बड़े जोर से जयकारा लगाएंगे, कम से कम आपका ये बोल गूंज उठे पूरे शास्त्री पारक को ज्ञात होना चाहिए कि आज आचार्य एक भवावतारी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की 312वीं जन्म जयंती है। तो आप सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साथी श्री चंद्र प्रभा जी महाराज। आज जन्म दिवस है तो देखिए उन महापुरुष के जन्म दिवस के साथ साथ मां साधु श्री चंद्र प्रभा जी महाराज साहब की
जन्म जाते हैं, तो इन सभी की हम अपने गुरुनी मैया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बस मैं इतना ही कहकर अपने विषय को बहुत बहुत आभार महासती श्री बिंदु जी महाराज साहब। और जैसा कि अभी आनंद प्रभा जी महाराज साहब ने बताया था कि ये सबसे अधिक दूर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर का बिहार करके लक्ष्मी नगर से यहाँ पधारे रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप बुलाने आए हैं महाराज जी का, गुरुदेव आचार्य सम्राट का, आचार्य सम्राट जी का जन कल्याणक महोत्सव है, हम जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। संत का परिचय सरलता, संत का परिचय ऋजुता है, संत का परिचय सहजता है। जहाँ सहजता और सरलता आ जाती है वहाँ एम का विसर्जन हो जाता है और आरंभ की यात्रा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ये युक्ति हमने आप में देखी, उन्हें मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मुझे जयमल जी महाराज साहब के लिए जो आपने बोला, दादा गुरुदेव के लिए दो लाइन आप और हम बोलेंगे। सभी राजस्थान से आए हुए लोगों को ये भजन आता है, कोटि कोटि वंदना उज जयमल जी आचार्य ने, कोटि 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 वंदना उज जयमल जी आचार्य ने, बोलो कोटि कोटि वंदना उज जयमल जी आचार्य ने। शासन तो दीपायो सतो वीरो, शासन तो दीपायो सतो वो कैसे जयमल थे, अरे मेरे सीटी रे जोड़े लाभिया सुखकारी रे, मेरे सीटी रे जोड़े मैं ताजी पीता जी मोहन दास जी, मैं ताजी पीता खड़े खड़े प्रतिकामण सी जो एक पैर में पूजवरियो। छह महीना लगा देते बिना प्रतिक्रमण याद करो भाई, प्रतिक्रमण या बाप जी दिमाग चाले, पन बाता में घड़े ही चाले, संसार में काम में घड़े ही चाले, पर विद्या और ज्ञान रे मैंने दिमाग का ही भेजा है। धन्य उस युग पुरुष अवतारी को, खड़ा खड़ा प्रतिकामण सी जो एक पैर में पूजवरियो, खड़ा खड़ा प्रतिकामण सी जो एक अंतर पीनो रे भाग्यशाली बंधु। भगवान महावीर के बाद में अगर कोई 18 देश के राजा को जौहरी मनसा से सौंपा, हमारे अध्यक्ष महोदय, अगर किसी संत ने वो पत्ती बधाई हम थानक में लेके आ जाते हैं, ओहो हमने कितने श्रावक जोड़ दिए, ओहो हमने कितने लोगों को जैन बना दिया। धन्य युग पुरुष को, भगवान महावीर के बाद में अगर कोई संत हुआ है 18 देश के नरेश को राज महल और राज दरबार में जाकर के, शशिकांत भाई अगर मुपत्ति बनाने वाले थे तो इस 5-6 आर्य के अंदर कौन थे। दिल्ली जैसे अकबर को अगर कोई जैन बनाने वाले थे तो कौन थे। जयमल जी महाराज, ऐसे जयमल जी महाराज की आज 312वीं लोग तो 100 दिन भी भूल जावे,
70 साल का गुरुदेव 100 साल का हुए माँ बाप गुरु को भूल जाते हैं, लेकिन उस युग पुरुष को जिन्होंने मेर का सिद्धि जो हमारे लाला बैठे हुए हैं, आन बान सान कर रखने वाले राजस्थान में मारवाड़ी मेर का सिटी स्वर्गीय विश्रीमती माँ के सुपुत्र बंसाली के मनोज ने आज का क्या लिया है। गौतम प्रसादी का ये हरेक व्यक्ति के बस की क्या नहीं है, पैसा होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन बोला बाबा मनोदर केसरी का गौतम प्रसादी का लाभ लेने वाले गौतम जी सुभाष जी विमल जी डांका राजस्थान वाले यहाँ बैठे हुए देगाने वाले और आज की गौतम प्रसादी का क्या सारे हो गए ना। कल माँ बड़ी खुशी हो रही थी मनोज के मैं हमने जयमल जी का भी ले लिया मरदर कैसरी जी का भी राजस्थान में लिया और युवाचार्य भगवान गुरुदेव मधुकर मुनि जी महाराज का भी गौतम प्रसादी का लाभ मेरे बच्चे और भवन ला मरा सार मारो तो जन्म देना का ही बढ़ गया। धन्य ऐसी माँ को जहाँ गुरु की मैं और वहां धर्मपाल जी लीला हर दिन से या गुरुदेव की जन्म जयंती क्या की जाती है मनाई ऐसा जाती है। हम भी 3 दिन की जयमल जयंती मना रहे हैं जी। हाँ, त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, त्रि दिवसीय कार्यक्रम है, शास्त्री पार्क में 3 दिन का कार्यक्रम है। आप सभी शास्त्री पार्क शिक्षक इसमें सहयोग दे और साथ में अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आज का श्री जयमल जी जयंती का जो कार्यक्रम है ये हम जीव दया के रूप में मनाना चाहते हैं। आप सभी गुरु भक्तों से निवेदन है कि जो भी जीव दया में गौशाला के लिए या पक्षियों के दाने के लिए कुछ भी दान राशि देना चाहते हैं वो कृपया अपने नाम मुझे लिखवा दें, अपने नाम और राशि मुझे लिखवा सकते हैं, दे सकते हैं। हम अपने संघ की ओर से आप सभी का भाव रूपी स्वागत करते हैं, भाव स्वागत करते हैं, लेकिन जो संघ के प्रतिनिधि हैं उनका प्रतीक रूप प्रतीक के साथ माला के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। कह दूंगे हमारे जो चतुर्मा समिति के कार्यकर्ता हैं, जो भी चतुर्मा समिति के कार्यकर्ता हैं कृपया वो आगे आ जाए ताकि वो 5 मिनट के अंदर बहुत जल्दी ये स्वागत का कार्यक्रम पूर्ण किया जा सके। मेरा सभी से निवेदन कि जो भी कार्यकर्ता हैं वो कृपया आगे आ जाए। सबसे पहले मैं स्वागत कराना चाहूंगा हमारे आज के समारोह अध्यक्ष श्री कमलकांत शशिकांत जी का और हमारे संघ के महामंत्री श्री प्रदीप कुमार जैन जी और चतुर्मा समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन से मेरा निवेदन कि वो भाई साहब का स्वागत करें। राजेश भाई सुंदरलाल जी और गोपाल सिंह जी का वहीं पर स्वागत कर दीजिए। दूर हो जाएगा इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें।
आज जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सम्यक दर्शन चैनल के सौजन्य से हो रही है। सम्यक दर्शन चैनल का हम अपने श्री संघ श्री ऐसे जनसभा शास्त्री पार्क और जयमाला जी महाराज चतुर्मा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री सुनील जी का भी हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत भावनाएं इनके। समय दर्शन नाम ही समय दर्शन है जैन का। और शिव विहार श्री ऐसे जैन सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश जैन भी हमारे सुरेश जैन जी भी हमारे बीच मौजूद है। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और चतुर्मा समिति के कार्यकर्ता कृपया उनका स्वागत करें। मैं विकास मुनि जी महाराज साहब से सिर्फ दो मिनट का समय और चाहूंगा क्योंकि उनको भाई संदीप को कहीं जाना है तो थोड़ा मैं सर्वप्रथम अहिंसा के अवतार हनुमान महावीर स्वामी को वंदन नमन करने के पश्चात अंतर्जाली साधु साधुओं के चरणों में वंदन नमन। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज हम जो है आचार्य पर्वत श्री जयमल जी महाराज की 312वीं जन्म जयंती एवं श्री चंद्रप्रभा जी महाराज की 50वीं जयंती मना रहे हैं। मैं श्री एस एस जैन सभा गौतमपुरी की ओर से रेफरी ओर से साधु साधुओं को जो है शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज 300 साल बाद भी हम आचार्य पर्व को याद कर रहे हैं तो कुछ तो भाषा रही होगी उनमें जो हमको तो सिर्फ कुछ पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को राम दूंगा। कोई गुरुदेव कहता था कोई भगवान समझता था, कोई गुरुदेव कहता था कोई भगवान समझता था, मगर भक्तों की पीड़ा को बस गुरुवर समझता था। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसे है। गुरुदेव जी महाराज आज भी हमारे दिल में से हमसे दूर नहीं है तो क्या कहेंगे। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसे है, ये गुरुवर का दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये गुरुवर का दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आज हम सब इतने साल संतों के दर्शन कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और समय बहुत कम है तो मैं अपनी वाणी को यही नाम देता हूँ। जय वीर जय मानी आज आज गुरु भगवान श्री विकास मुनि जी महाराज साहब अपने अमृतमय वाणी में हमको आचार्य जयमल जी महाराज साहब के बारे में आप क्या कृपा करना चाहेंगे। सभी शांति बनाए रखे पूज्य गुरुदेव श्री विकास मुनि जी महाराज साहब। श्री संघ शासन विवर्धन पाद पीठम श्री वाक्षु भाद्र गुरुवर यमहं नमामि। उपस्थित प्रथाशील बंधुओं माताओं एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम पूज्य एक भवावतारी आचार्य श्री जयमल जी महाराज को वंदन नमस्कार करता हूँ और पाठ प्रविरानी हठ योगी श्री धैर्य मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन नमन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है आज एक भवावतारी आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज का 312वां जन्म कल्याणक आपके यहाँ शास्त्री पारक में मनाया जा रहा है। बंधु आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज एक महान साधक हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी उग्र तपस्याएं की है, उग्र साधनाएं की है। आचार्यों ने विद्वानों ने साधु शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा साधनोति स्वकर कार्याणि इति साधु, अर्थात जो अपने और दूसरों के कार्यों की सिद्धि करे वह साधु होता है। तो ऐसे ही आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज थे जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्म साधना तो की ही की और जन जन का कल्याण भी उन्होंने किया।
अभी कुछ देर पूर्व में महासाध्वी जी आपसे कुछ चर्चा कर रही थी अंधकार के विषय में कि आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज जहां जहां भी गए उन्होंने व्यक्ति के अंदर में रहे हुए तमस को हटाकर प्रकाश को व्याप्त किया। तो बंधु एकश चंद्रस्तमोहंति नजकारा गणों की चढ़, आप देख रहे हैं आकाश में हजारों तारे हैं, हजारों नक्षत्र हैं, लेकिन चंद्रमा, चंद्रमा कितने हैं? एक चंद्रमा। वो हजारों तारे मिलकर भी अंधकार को दूर नहीं कर पाए क्योंकि सामर्थ्य उनमें नहीं है, और एक चंद्रमा, केवल एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर रहा है। ऐसा ही जीवन आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज का था कि वो जहां जहां भी जाते व्यक्ति के अंदर रहा हुआ अंधकार उसको मिटा करके व्यक्ति के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र का प्रकाश व्याप्त करते थे। बंधु आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज एक महान आत्मा हुए हैं। आप जानते हैं कि वो एक भवावतारी, एक भवावतारी का अर्थ क्या होता है कि जो एक जन्म और लेकर के मुक्ति को प्राप्त करेगा, एक जन्म केवल, इन सारे संसार चक्र को खत्म कर दिया, केवल एक जन्म रह गया, वो एक जन्म और लेना है, एक जन्म लेने के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। तो आप भी उनके जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करो, आप भी कुछ अपने जीवन में ऐसे कार्य करो कि आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज की तरह आप भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सके, अन्यथा ये संसार का चक्कर चलता रहेगा, ये संसार के दुख चलते रहेंगे, कभी खत्म होने वाले नहीं है। आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज एक महान त्यागी आत्मा, भगवान महावीर स्वामी त्यागी का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, जे कंके पिए होए लधे भी पृथ्वी पूवई साहिने चाहि होए सेहु चाहि की उच्चय। अर्थात जिसने प्राप्त प्रिय भोग उपभोग के जो साधन हैं उनको ठोकर मार दी, सारे के सारे साधन समक्ष हैं, उपस्थित हैं, लेकिन उनकी व्यर्थता का दर्शन किया कि ये जितने भी प्रिय भोग उपभोग के साधन हैं ये मेरे जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, और सामने होते हुए उनकी व्यर्थता का दर्शन करते हुए जानकर के उनको ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे इनका सेवन नहीं करना है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जो ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है, वह वास्तव में सच्चा त्यागी हुआ। अब संसारी व्यक्ति की थोड़ी सी बात करें, संसारी व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु चाहता है कि मुझे जब भी प्राप्त हो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मिले, अच्छा मिले। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं बाजार में तो क्या चाहते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े हो, जूते चप्पल खरीदने जाते हैं अच्छे अच्छे हो, श्रेष्ठ की कामना करते हैं ना कि अच्छा मिले बुरा न मिले। जरा अच्छे की परिभाषा को समझ लो कि अच्छा होता क्या है। हमने संसार में जो जिन चीजों को अच्छा समझा है, श्रेष्ठ समझा है, वो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। लग तो रही है, आभास तो हो रहा है कि श्रेष्ठ है, लेकिन उन श्रेष्ठताओं के पीछे दुख छिपा हुआ है और वो दुख हमें दिखाई नहीं देता। यही दुख आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज को दिखाई दिया था। ये जो संसार की वस्तुएं हैं जो श्रेष्ठ दिखाई दे रही है, अच्छी लग रही है, ये केवल आभास मात्र है, भ्रम है और कुछ भी नहीं है, जीवन की सार्थकता इनमें नहीं है। तो बंधु आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज एक सच्चे त्यागी जिनको सारे के सारे भोग उपभोग के साधन उपलब्ध थे, वो सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी उन्होंने उन भोग उपभोग के साधनों को ठोकर मार दिया और संयम पथ को अंगीकार कर लिया। रॉकफेलर का नाम आपने सुना होगा। रॉकफेलर अमेरिका के एक सर्वोच्च धनी व्यक्ति थे, अपार संपदा थी उनके पास, किसी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन ये धन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। एक बार रॉकफेलर बीमार पड़ गए, बीमारी बहुत बड़ी थी, इलाज करवाया गया, बड़े बड़े डॉक्टर आए, उपचार किया गया,
लेकिन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों ने कहा, महाशय यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं और जीवन जीना चाहते हैं तो ये सब छोड़ करके कहीं अच्छे वातावरण में अच्छी जगह पर चले जाए, जहां पर आपको व्यापार की कोई भी चिंता न रहे, धन की कोई टेंशन आपको न रहे। रॉकफेलर ने डॉक्टरों की सलाह मानी और रॉकफेलर चल दिए एक पहाड़ी के ऊपर और उस पहाड़ी पर रहने लग गए, एक पक्ष के अंदर सीमित मर्यादाओं में रहने लग गए। तो बंधु रॉकफेलर ने अपनी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में एक पंक्ति लिखी कि मैंने सब कुछ छोड़कर सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्या लिखा? मैंने सब कुछ छोड़कर सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब सब कुछ छोड़कर और सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा भी कोई मार्ग है? हाँ, ऐसा मार्ग है, संयम का मार्ग है। आचार्य प्रवर श्री दयामल जी महाराज ने सब कुछ छोड़कर वो सब प्राप्त कर लिया जो अभी कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कभी वियोग नहीं होगा। आप संसार में प्राप्त करते हैं ना, थोड़ी देर का संयोग होता है और फिर वियोग हो जाता है। संयोग होता है तो आप बड़े खुश होते हैं, अहंकार से व्यक्ति भर जाता है, और जब वियोग होता है रोता है, दुखी होता है, फिर संतों के पास आता है कि महाराज कोई मंत्र बता दो, कोई पुड़िया दे दो, कोई उपचार कर दो, बड़ा दुखी हूं मैं। अब वो संसार के जो साधन जिनमें तुमने सुख माना, सुख है ही नहीं, फिर भी तुम सुख उनमें खोज रहे हो। तो आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज ने जाना कि ये संसार के संयोग और वियोग लगे हुए हैं, जब तक इन संयोग वियोगों से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज ने इन सब बातों को जान करके संयम पथ अंगीकार किया और बंधु वह प्राप्त कर लिया, वह श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर ली, जिसको प्राप्त करने के बाद अब कोई वांछा मन में नहीं रहे। एक भाव बता, एक जन्म और लेना है और एक जन्म लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो बंधु आपके यहाँ शास्त्री पारक में जो ये आयोजन किया गया, यह आयोजन बड़ा ही सुंदर है। राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र जी महाराज ने हार्दिक शुभकामनाएं आचार्य प्रवर श्री जयमल जी महाराज के विषय में प्रस्तुत की है। और क्षमा चाहूंगा मैं महासाध्वियों जैसे कि बीच में थोड़ा व्यवधान देना पड़ा, कुछ आवश्यक कार्य है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि रही हो, कोई व्यवधान पड़ा हो, तो आप मुझे अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके क्षमा कर देना। तो बंधुओं इतना ही कहकर कि मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले विकास मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। भाग्यशाली बंधु, समय तेज गति से अपने अवधि को पार करना है। गुरु भगवंत ने हमारे ऊपर कृपा की और व्यस्त कार्यक्रम में भी कैलाश नगर से संघ के तत्वाधान में पूज्य श्री महामनीषी विकास मुनि जी महाराज पधारे। हम सभी मां साध्वी की ओर से तप राज राजेश्वरी तपाचार्य दक्षिण तप विजेश्वरी जयमाला जी महाराज की ओर से आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। उससे ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा संघ के ऊपर हमारे ऊपर बनाए रखे, हम ये मन में अपेक्षा करते हैं। साथ में अभी दादा गुरुदेव जयमल जी महाराज के बारे में आप सभी ने सुना, जयमल जी महाराज के लिए लगभग अमेरिका, चीन, लंदन, रूस, थाईलैंड और इंडिया छोड़िए जैसे देशों के भीतर भी पीएचडी की गई है। जयमल नाम सोटे के ऊपर, ढालों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर जयमल जी महाराज 312 साल पहले मेरता सिटी के पास में लामिया नाम का एक गांव था, क्योंकि सभी गुरु भगवंत जो पधारे हैं वैसे सभी काफी राजस्थान के लोग भी है, हर साल विशाल
तपस्या के अनुमोदक के रूप में दादा गुरुदेव जैमल जी महाराज की क्या मनाई जाती है? जन्म जयंती मनाई जाती है, मगर इधर कुछ गुरुमाता का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है। अपनी छोटी छोटी तपस्याएं और दस लक्षणी के अंदर भी जो समय हमें शास्त्री पारक में मिला, हमारा शास्त्री पारक आप सभी संघों का आभारी है। जैमल जी महाराज 312 साल पहले एक छोटा सा गांव लाबिया के अंदर जन्म लिया। पिता मेहता मोहनदास जी थे, वो दीवान थे और 45 डाकुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके घर लौटे। दासी ने बधाई दी कि दीवान जी आपके पुत्र रतन की क्या हुई है? 2 मिनट की बात मेरी जान से सुनोगे? जन्म की जानकारी नहीं होने से हम जन्म जयंती किस तरह से क्या किया जाएंगे? गुरुदेव पधारे हैं, हम यहाँ से ही मथेन वंदना नहीं करें, यहाँ से ही मथेन वंदना नहीं करें। कृपा कर गुरुदेव बड़े गुरुदेव को हमारी वंदना आज करें, सुख साधा रक्षा करें। बाहर खड़े हुए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया अंदर हॉल में आकर स्थान ग्रहण करें। जयमल जी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने जय नाम रखा। जय नाम क्यों रखा? क्योंकि वो विजय करके लौटे थे। उनके पिताजी ने 45 डाकुओं के ऊपर विजय प्राप्त की, इसीलिए मन में सोचा मेरे होने वाले पुत्र रतन का नाम क्या रखा जाएगा? जय मल रखा जाएगा, इसीलिए आपका नाम क्या रखा गया? जयमल रखा। 2 भाई थे, बड़ा भाई रेडमल, छोटा भाई जयमल, और बचपन के अंदर इनकी शादी हो गई। गोना लेने के लिए जब 22 साल की उम्र में मेहता सिटी आप पूरा मेहता मंदिर हमारी और आपकी तरह आपके श्रावक और साधु नहीं थे, सारी मेहता सिटी बंदे कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। उस दिन प्रवचन चल रहा था और जयमल अपने साथियों के साथ बैलगाड़ी के अंदर गुरु भगवान मान लेने के लिए आया और कहा, प्रधान जी कल तो मैं गोना लेने चला जाऊंगा ससुराल, आज मेहता सिटी से सारी गाड़ी है भर करके और किराड़े का क्या लेके आ जाता हूँ, माल लेते आ जाता हूँ। आप गए, मेहता सिटी का सारा मार्केट बंद था। अपने दोस्तों से पूछा, आज मेहता बंद क्यों है? क्या पूछा भंडारी जी, आज बंद क्यों है? दूसरी जाति का लोग रास्ते में खड़े हुए थे। कहा, तुम कौन हो? बोला, हम जैन है। मुझे लगता था नहीं तुम जैन हो। अरे जैन होकर के भी तुम्हें इतना पता नहीं है, जाति से जरूर जैन हो, काम तुम्हारे जैन के नहीं होंगे, क्योंकि आज आचार्य उदय जी महाराज के शिष्य रघुनाथ मल जी महाराज के 120 उपवास की क्या है? कितनी? 120 उपवास। 120, 1, 2, 3, 4 कर लेती है जितने में, तो कई तरह की क्या ऐसा? मन में सोचो 120 उपवास का आज मंगल आहुति है, आज सभी जैनियों का व्यवसाय बंद है, अनुमोदना के लिए सभी दर्शन करने जाते हैं। जयमल ने कहा, मैं भी चल लेता हूँ। समय का क्या हो जाएगा विमल भाई, आप आ रहे थे रास्ते में दोस्त मिले, चलो आज शास्त्री पारक जा रहे हैं, तो दलाली का लाभ किसको मिलेगा? पुनवान पाप के अंदर हाथ काले होते हैं, लेकिन हीरो की दलाली में क्या हो जाते हो, मालो माल हो जाते हो। जयमल आया और आकर के आचार्य भूधर की वाणी सुनी, कभी जैन संतों के क्या नहीं किए। और हमारे आगम में मनोज भाई इतिहास में वर्णन मिलता है, जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, एक बार आए और एक बार में ही क्या हो गया, वही के होकर आए।
चरणों में समर्पित हो गए। अब कितनी तो मुफतियां क्या पता नीचे रख दी, कितने आसन पार डाले, कितने मराद लोगों के हमने मस्तक क्या कर दिए, तरह तरह के जुगाड़ ऐसे दिए, लेकिन हमारे मन में जहाँ तक विरक्ति नहीं आएगी वहां तक हमारे जीवन का कभी भी क्या नहीं होने वाला है। मैं दो लाइन बोल करके माँ सती संजू जी से निवेदन करूंगी, मंजुला श्री जी से वो अपनी बात कहेंगे। अब जेदा जी महाराज ने सेठ सुदर्शन की कथा सुनी, इतना समय हमारे पास नहीं है, राजस्थान के अंदर 1 बजे 2 बजे तक का कार्यक्रम चला रहता है, मगर यहाँ समय सीमा को देखते हुए हमें क्या करनी है, बात करनी है। साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगी, बार बार हमारे कैशियर साहब, संचालक महोदय, हमारे संघ की ओर से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी खुले भाई है समय को छोड़ करके वो मंच के ऊपर विराजने की क्या करें, भावना रखें। राजस्थान से भी हमारे अभी बोला लालचंद जी सामो, रतनलाल जी सामारो, महामंत्री जय आनंद जन परमात्मा, प्रकाश चंद जी सदा, महामंत्री ताल जय जन गौशाला के, लोनकरण जी सर जबर मेहता, अशोक वो भी आगे, श्री संभद्रासा गुरु भक्त संभद्रासा, सुनील कुमार जी चोरड़िया, जिन्होंने उचेरे के अंदर संघ के तत्वाधान में अपना संपूर्ण चतुर्मास का खर्चा तपाचार्य गुरु माता जयमाला जी महाराज का जिन्होंने क्या किया, भाई सुनील एक बार खड़ा हो की अनुमोदना तो करें, पिताजी हो जाएंगे, जिन्होंने कुचेरे के अंदर संघ में ये पिताजी और बेटे जिन्होंने 4 महीने का खर्चा वर्धमान जैन श्रावक संघ कुचेरा के तत्वाधान में इन्होंने लेकर के गुरुणी जी का क्या करवाया, चतुर्मास करवाया, और हमारे मनोज भाई सामने बैठे हुए गुरुणी जी के लाडले चले जिन्होंने आज सारा भाग लिया है। मैं जयमाला चतुर्मास समिति की ओर से, संघ की ओर से, महिला मंडल की ओर से निवेदन करती हूँ, आप भी मंच के ऊपर पधारे ताकि हमारा संघ आपका क्या करना चाहिए सम्मान करे। और भी अगर मैं कोई नाम भूल गई हूँ तो आप मुझे लिख करके क्या कर देती, हाँ ओम जी जी जो अशोक से आए हुए हैं वो भी कल आ गए थे, समान हो गया उनका कल आ गए थे, तो और भी कोई नाम हो तो मुझे पेपर पे लिख के दे दे या भाई मनोज को दे दे ताकि उनकी अनुमोदना करना हम लोग नहीं भूले। श्रीमान विमल जी बागमार जो हमारे कुचेरा पे है, अब कुचेरा ही कुचेरा, अब भी कुचेरा पे, ये भी कुचेरा पे, कुचेरा ही कुचेरा है इधर तो, कुचेरा जो वर्तमान में यही कृष्णा नगर रहते हैं और उन्होंने 2001 से लेकर आज तक हमारी सेवा में समर्पित है, तो उनका भी हमारी संघ की ओर से आप समय नहीं होता मंच पे पधारे। सबसे पहले श्री गुरुभक्त श्री लोनकरण गेट में चतरजी मेहता का स्वागत करें, इसके साथ श्री बालचंद देवी चंद राजकुमार भंडारी जी दिल्ली से जो कुचेरा निवासी हैं उनका भी स्वागत करें। राजेश भाई आप सुन रहे हो तो आगे आ जाओ, प्रदीप जी आप भी आगे आ जाओ, राजू भाई सराय वाले आप आगे आ जाइए, नरेंद्र जी आप भी आगे आ जाइए, जो जो भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया आगे आ जाइए, श्री बनेचंद पवन कुमार जी नाहर कुचेरा निवासी जो दिल्ली में है उनका भी हार्दिक स्वागत है, श्री विमल चंद जी बागमार कुचेरा निवासी उनका भी हार्दिक स्वागत है, कृपया आगे आ जाएं। भाई मनोज जी ओ ऊपर देख, आप उनको दे दे कुछ, उनको दे दे भाई। श्री रतनलाल जी मारूल जय आनंद जन परमार्थ संस्थान भीम के मंत्री जी उनका भी श्री संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। श्री सुरेंद्र कुमार जी नाहर कुचेरा राजस्थान उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सुरेंद्र जी नाहर, श्री मनोज कुमार बंसाली जी और श्रीमती ललिता बंसाली जी आपका भी शीर्षक की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। श्री मनोज कुमार बंसाली जी ने इनके परिवार में आज के गौतम प्रसाद जी का लाभ लिया है, शीर्षक की तरफ से उनका हार्दिक आभार। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री सुरेंद्र कुमार श्री मनोज कुमार बंसाली जी की माता जी का
और महिला मंडल से निवेदन है कि कृपया उनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया जाए, कहीं है कृपया वही जाकर किया जाए। हर्ष 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 गौतम प्रसादी का लाभ लेने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद का नाम रखने वालों को धन्यवाद, राजस्थान का गौरव रखने वालों को धन्यवाद, गुरु भक्ति का परिचय देने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। श्री कन्हैया लाल जी बापना बीकानेर से जो महाराज श्री जी के सांसारिक भाई हैं, आपका श्री संकेत सबसे हार्दिक स्वागत है। श्रीमती कंचन बाई पारेख बीकानेर से आई हैं, उनका भी स्वागत है। कंचन बाई पारेख श्री जोहरी मल जी सिसोदिया अध्यक्ष पारसनाथ हॉस्पिटल ब्यावर से आए हैं, उनका भी श्री संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। श्री संपत राज सा चोरड़िया कुचेरा से, श्री संपत राज सा चोरड़िया राजस्थान कुचेरा से आए हैं। श्री लालचंद जी मनोज ये जय आनंद के अध्यक्ष है। और श्री आगे बता जाओ नेता जी, श्री पारस चंद जी डक और हमारे बीच श्री अरविंदर सिंह लवली जी जो पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के और पूर्व विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे बीच आए हैं। श्री सुरेंद्र शर्मा जी आए हैं, आप पूर्व निगम पार्षद, स्वास्थ्य मंत्री, जिला पार्षद साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, न जाने कितने कितने पदों को इन्होंने प्राप्त किया फुलवारी से, ऐसे गुरु माता के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। श्री लालचंद जी मनोज जी का स्वागत, लालचंद से मनोज का हो गया। श्री प्रकाश चंद जी का हो गया, प्रकाश चंद जी खड़े है ना, फटाफट प्रकाश चंद जी आप खड़े हो गए। जो आज के स्वागत अध्यक्ष हैं श्री अशोक जैन खट्टे वाले, श्री श्वेतांबर थानक वासी पूर्वी दिल्ली जैन महासंघ के अध्यक्ष श्री अशोक जैन खट्टे वालों का जो आज के स्वागत अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत श्री संघ की तरफ से है। और आज के और ये इतने कर्मठ और कर्मशील शावक हैं कि हमेशा धर्म की और जिन शासन की सेवा में तत्पर रहते हैं, कभी नहीं किसी ने इनको थकते नहीं देखा। अपने जेब से पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं और कोई भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हमने कभी भी निवेदन किया, इन्होंने कभी बात नहीं डाली, चाहे किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज के लिए निवेदन किया गया, हमेशा उन्होंने हमारा सम्मान रखा, मान रखा। और आज का जो झंडारोहण करता है श्री मनोज जैन, ये भी श्री श्वेतांबर थानकवासी पूर्वी दिल्ली जैन महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, शेष विहार निवासी, आपका भी हमेशा ही हमें सहयोग मिलता रहा है, श्री संघ की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और झंडारोहण भी करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री मनोज जैन जी से और जो जो भी मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं ये वो झंडारोहण में सहयोग करें। अध्यक्ष जी श्री कमलकांत जी, शशिकांत जी और पूर्वी दिल्ली महासंघ के महामंत्री श्री मुकेश जैन जी, आपका भी श्री संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और अब झंडारोहण की जो रस्म है वो श्री मनोज जैन जी जो उपाध्यक्ष पूर्वी दिल्ली महासंघ और आज में झंडारोहण करता, आपकी तरफ से अदा की जाएगी। श्री कमलकांत शशिकांत जी आपसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया झंडारोहण में सहयोग करें। श्री अरविंदर सिंह लवली जी, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी और जो जो भी मुख्य अतिथि हैं उनसे निवेदन है कि कृपया झंडारोहण के कार्यक्रम को कराएं। मनोज बंसाली जी, मनोज बंसाली जी भाई साहब कुर्सी तो छुड़वा के रहेंगे हम आपकी।
जब इतना बड़ा जय 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 जी।
आजकल कॉम्बो का जमाना है तो ये कॉम्बो प्रस्तुति है इनकी। स्वागत गीत भी है और श्री चंद्रप्रभा जी महाराज साहब को जन्मदिन की बधाई भी है। मैं माँ साहबी प्रसन्ना मंजुला जी से निवेदन करूं, वो भजन के माध्यम से अपनी अमृतमय वाणी से श्रोतागण को लाभान्वित करें। माँ सती मंजुला जी लंबी आगाह की उस धरा को देखिए जो अपने आप में इखला रही है।
इस धरती पर आपका गुलामी बचपना बीता है और उसे भी अपने सौभाग्य पर नाज होगा। पिता मोहनदास जी और माँ महिमा देवी के अहोभाग्य का तो क्या कहना, जिन्होंने अनमोल हीरे को जन्म दिया और उस कीमती बेतकीमती हीरे को श्री शंख को सौंप दिया। और जो आगे जाकर के एक चमकता हुआ सितारा बना और जैन समाज को बहुत कुछ दिया। बंधु आज 300 साल व्यतीत हो गए। एक बच्चे से उसके दादा या परदादा का नाम पूछा जाए तो भी वो बच्चा क्या है सोचने पड़ जाता है, लेकिन 300 साल व्यतीत होने के बाद भी आज हम सबके दिलों में गुरुदेव किस प्रकार से विराजमान है, आज उनके गुणों को आप और हम सब गा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा त्याग, ऐसा संयम, जो कि उनके गुणों को आज आप और हम सभी गा रहे हैं। बंधु उनका जीवन तो अनेक अनेक दिव्य गुणों से ओतप्रोत, जैसे सूर्य की किरणों को कोई ढक नहीं सकता, धरती के राज कणों को कोई गिन नहीं सकता, बहते हुए समुद्र को कोई अपने आगोश में भर नहीं सकता, इसी प्रकार से कुछ गुरुदेव श्री जयमल जी महाराज साहब के जीवन की जो अच्छाइयां हैं, उनके जीवन के गुणों को भी गाना हमारे लिए असंभव है, तो फिर भी आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने महान गुरुदेव के बारे में आज मुझे चंद शब्द बोलने का अवसर महाराज श्री जी ने दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से आभार मानती हूँ और गुरुदेव श्री जी के विषय में कुछ बोलने का अवसर मिला तो मैं गुरुदेव श्री जी के बारे में और क्या कह सकती हूँ। बस इतना ही साथ में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव श्री जी ने जो मार्ग बतलाया है, जिस मार्ग की ओर वे आगे बढ़े हैं, जो मार्ग उन्होंने हम सबको दिखाया है, आज हम भी उसी मार्ग की ओर आगे बढ़े, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करें और साथ ही साथ अब पूज्य महासती श्री चंद्र प्रभा जी महाराज साहब की भी 50वीं जन्म जयंती, आज एक नहीं दो दो क्या है, दो दो जयंतियां, तो पूज्य गुरानी मैया नेपाल शिरोमणि महासती श्री संजय जी महाराज साहब की ओर से भी हम महाराज श्री जी के जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां देते हैं और आप और हम सभी मिलकर के महाराज श्री जी को एक साथ बधाइयां देंगे, क्योंकि समय भी कम है और सभी को बोलने का भी क्या है मौका नहीं मिलता, तो आप सभी को मैं बोलने का मौका दे रही हूँ, आप और हम सभी मिलकर के एक साथ महाराज श्री जी को बधाई देंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल यही जन्मदिन तेरा मनाए, दासी
हमारे बीच आज दिल्ली पूर्वी दिल्ली के शेरे दिल श्री अरविंद सिंह लवली जी, जिन्होंने शास्त्री पार्क में जब से भी हमारे शास्त्री पार्क में लिए, मैं कल तक 15 साल करीबन विधायक और मंत्री रहे, इन्होंने जो कार्य किए ऐसे कार्य किए जो 50 साल में नहीं हो पाए। शास्त्री पार्क में एक नाला होता था जिसको के सब लोग बहुत ही नाक डरकर चलते थे, उसका कार्य ऐसा कराया कि अब नाले का ही नहीं पता कहाँ गया। और भी बहुत कार्यक्रम कराए हमारे जैन समाज के, हमारे ऐसे जैन समाज के भी कई कार्य कराए इन्होंने। मैं महाराज लवली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने लवली जी से परसों ही फोन करा था, उन्होंने कहा था मैं जरूर आऊंगा, मैं आज आए उनका धन्यवाद। और साथ में भाई सुरेंद्र शर्मा जी जो यहाँ के नगर निगम सदस्य रहे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, ये भी हमारे हर कार्य में पूरा सहयोग करते हैं। शास्त्री पार्क की उन्नति के लिए दो नेता पूरे कार्यक्रम करते हैं, मैं इनका धन्यवाद। अब हमारे बीच श्री अरविंद सिंह लवली जी दो सब बोल धन्यवाद। परम पूजनीय जिनके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, श्री जयमाला जी महाराज जी उनके चरणों में वंदना करते हुए आज का ये कार्यक्रम जो श्री जयमाला जी महाराज जी के 312वें जन्म हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं, उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मंदिर समिति और SS जैन सभा के सभी पदाधिकारीगण, धर्मपाल जैन जी, सुरेंद्र शर्मा जी, साध्वी संघ के सभी पूजनीय सदस्यगण और उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ। मैं महाराज जी के चरणों में अपने सर झुकाते हुए आप सब लोगों को इस अवसर पर आप मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों के बीच में और साध्वी संघ जी के सभी सदस्यों की वाणी के बीच में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ी संख्या में जहाँ महासाध्वी जी और साध्वी संघ के सदस्य हैं, हमारी बहनें बहुत और माताएँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, और निश्चित रूप में मुझे ये कहने में कोई संदेह या संशय नहीं है कि दुनिया में अनेकों धर्म हुए और हमसे ज़्यादा आगे चलने वाले भी धर्म हुए, पश्चिम की सभ्यता हम लोगों से आगे रहती है, लेकिन जहाँ तक धार्मिक मूल्यों की और अधिकारों की बात है उसमें हिंदुस्तान और जैन समाज की सभ्यता सबसे आगे आती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं को अगर किसी धर्म ने अधिकार दिया तो सबसे पहले जैन समाज ने अधिकार दिया। जैन समाज के तीर्थंकरों ने, जैन समाज के बोलियों ने ये कहा कि महिलाओं को भी जो है वो मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार है, तो इसलिए पूरी दुनिया को अगर महिलाओं के अधिकारों की किसी ने दिशा दिखाई तो वो आप लोगों के धर्म ने दिखाई। तो आज मैं अगर ये कहता हूँ कि जैन समाज के जितने भी मूल मंत्र हैं, चाहे वो जियो जिनो धर्म का है, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा का है, चाहे वो शाकाहार का है, आज पूरी दुनिया के लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मानवता को जिंदा रहना है तो उन मूल मंत्रों के अधिकार से जो है वो जीना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत
बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे धर्म में ऐसे समाज में जन्म लिया जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक बार फिर महासाधवी संघ के सभी सदस्यगण को और महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उनके दर्शन करने के मौके मिले उसके लिए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दो शब्द कहूंगी जो आपके बीच में स्वास्थ्य मंत्री बदले, गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर भी बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर भी बदल जाती है। जो लेता जो भी दिल से गुरु का नाम, लेता जो भी दिल से गुरु का नाम, एक पल में साहब मैंने देखा कि तकदीर भी बदल जाती है, एक पल में तकदीर भी बदल जाती है। ऐसे के दादा गुरुदेव जयमल जी महाराज जिन्होंने एक वर्ष तक पहले पहले पारणा यानी दो दिन उपवास, दो मिनट की बात, वो कैसे थे जिनके दरबार में आप आए हो, दो वर्ष तक पहले पहले पारणा, तीन वर्ष तक पहले पहले पारणा है कोई कलयुग में साधु, चार वर्ष तक चोले चोले पारणा, पांच वर्ष तक पांच पांच पारणा, 80, 28, 40 मास का मठ, एक छमासी, दो चौमासी, एक पैर में प्रतिक्रमण, और जिन्होंने अपने गुरु के लिए, जिन्होंने अपने गुरु के लिए 52 वर्ष तक वो साधु सुमरण करते करते इस शरीर को सोए नहीं, सोकर के कभी नींद नहीं ली 52 साल तक, ऐसे ऐसे जयमल जी महाराज, और जिन्होंने खड़े खड़े 1 घंटा जैसे गुरुवाणी, जैसे भागवत, जैसे गीता, वैसे प्रतिक्रमण याद करके, और वही उन्होंने संन्यास को क्या किया, ग्रहण किया, 750 आत्माओं को जिन्होंने जैन भगवती दीक्षा क्या की, प्रदान की। ऐसे दादा गुरुदेव के जन्म जयंती महोत्सव पर आप पधारे, हमारी बहन की भी जन्म जयंती पे आप पधारे, मैं बहुत बहुत आपकी मंगल कामना गुरुवार से यह चाहूंगी, आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि दिन प्रतिदिन आप प्रमात सेवा और अच्छे कार्य करके और परमात्मा के और अच्छे पद के ऊपर और आगे बढ़े, हमारी यही मंगल कामना। प्रसाद लेके पधारे गुरु दरबार में, प्रसाद लेके, अब मैं लालचंदी से निवेदन करूं 2 मिनट के लिए अपनी बात, वो गुरु माता के विषय में पूरे राजस्थान की ओर से, सारी संस्थाओं की ओर से 2 मिनट में अपनी, 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी कर देंगे। श्री लालचंद जी महाराज, जय आनंद के अध्यक्ष, जयवंत तेरे गुणों को हमसे गाया नहीं जाता और तेरी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता, तेरे गुणों का गुणगान करें तो कैसे करें कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता, कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता। गुरु जयमल क्या मिल गए, दोनों जहान मिल गए, और उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए, उजड़े हुए चमन को बागवान मिल गए। परम श्रद्धेय और इस धर्मसभा पर सुशोभित होने वाले सभी संत मुनिराजों के चरणों में पवित्र पवित्रों वंदन, और सभी माँ सत्या जी महाराज साहब, साधु जी महाराज साहब के चरणों वंदन, यहाँ के ऐसे श्री जैन संघ के सभी पदाधिकारीगण और राजस्थान से पधारे हुए सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, माताओं बहनों और प्यारे बालकों, देश की शान राजस्थान, देश की शान राजस्थान और राजस्थान की शान राजसमंद, और राजसमंद के उसी संसदीय क्षेत्र में जन्मे जयमल जी महाराज साहब, जो लांबिया ग्राम हमारा राजसमंद जिले का संसदीय क्षेत्र है, जिसकी प्रिंसेस ऑफ राजस्थान जो राजकुमारी है दिया कुमारी, वहां की सांसद है हमारे राजस्थान की, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आज के 312 वर्षों के पहले जयमल जी महाराज साहब ने जन्म लिया और ऐसा ऐतिहासिक काम किया। किसी ने ठीक ही कहा है कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है।
जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दें, इतिहास उन कायरों भगोड़ों का नहीं ऐसे सूरों और वीरों का बनता है जिन जयमल जी महाराज साहब ने अपना जन्म लेकर और 52 वर्ष तक आड़ासन नहीं किया, पहले पहले की तप करना आज कोई मामूली बात नहीं। और उन्होंने ऐसी रचना करके दिखाई पूरे देश को जो आज पूरा देश उनके लिए गौरव का अनुभव करता है। 111 गाथाओं का जो बड़ी साधु वंदना है, पूरा देश चाहे किसी भी संप्रदाय के संत और साधु हो उनकी रचना करके हमारे लिए हृदय को कोमल बनाया और आत्मा को ऊपर बढ़ाने के कार्यक्रम उन्होंने सजाए। ऐसे जयमल जी महाराज साहब को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और वो जहाँ भी विराजमान है वो हमें आशीर्वचन देते रहे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आपके बीच ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो इतना कहूंगा कहना ही चाहूंगा कि जयमल जी महाराज साहब से हमारे राजस्थान में दो संस्थाएं चल रही है। एक तो जय जैन गौशाला ताल, जिसमें आज लगभग 1200 गाय जीव दया का बहुत बड़ा उपक्रम जय माला जी महाराज साहब के माध्यम से इन्हीं की प्रेरणा से इनके आशीर्वाद से चल रहा है। 1 करोड़ रुपए साल का खर्चा है, उनके चारे की पानी की और कर्मचारियों की व्यवस्था था, अब वो कैसे पूरा होता है क्योंकि सरकार से हमने अनुदान भी मांगा था लेकिन सरकारें बदलती रहती है, अभी सरकार दूसरी आ गई, अनुदान भी उनके पास हमारे पास खजाने में पैसा नहीं है। तो आपका ये जय जैन गौशाला का नाम से वो गौशाला चल रही है और जय माला जी की पता नहीं क्या है कैसे क्या उसका पूरा होता है, लेकिन बहुत खुश है, हस्त पुष्ट है सारी गायें और सारा परिवार उनका सुख खुश में है गायों का। और मैं समझता हूँ कि आगे भी वो आशीर्वाद देते रहेंगे और गौशालाएं हमारी इसी प्रकार उन्नति और तरक्की करती रहेंगी। आज से 4 साल पहले सर्वश्रेष्ठ गौशाला से गोपाल विभाग राजस्थान से उसको सम्मानित किया और उसमें सम्मानित करने के बाद में 52 लाख रुपए में अनुदान मिले सम्मानित गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया के आशीर्वाद से, और उसके बाद के अनुदान आता रहा। लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ किसी ने ठीक ही कहा है कि है दर्द क्या बला किसी के जिगर से पूछ, या होगा क्या मजा किसी चश्म तर से पूछ, मकल्लू की तड़प को काबिल क्या जाने की नोचे हुए जानवरों के बालों पर से पूछ, कहाँ तलक जाएंगे खजाने तेरे साथ तारों के धन की दास्तान उनकी कब्र से पूछ, औरों की बेटियों पे नजर कैसी हो तेरी बेटी बिठा के सामने तू अपनी नजर से पूछ, क्या पूछता है गम की कहानी तू क्या किसी अमीर से, रंजो गम का माजरा किसी अजीत बसर से पूछ, रंजो गम का माजरा किसी अजीत बसर से पूछ। तो ये जीव दया का जो कार्यक्रम हमारे ताल गौशाला में हो रहा है सभी माँ सत्या जी महाराज साहब महापुरुषों के आशीर्वाद से चल रहा है। दूसरा हमारा पीड़ित मानवता जो दुखी पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए जय आनंद परमार्थ संस्थान का दूसरा कार्यक्रम हमारा भीम में जो इस दिल्ली और बॉम्बे रोड पे नेशनल हाईवे नंबर 8 में है, बहुत बड़ा परिसर वहां बन गया, 7 करोड़ रुपए वहां लग चुके हैं और भी लगभग 5 करोड़ रुपए और लगने की वहां संभावित संभावना है। जमीन और ले लिए हमने वहां पर 8,000 आई कैम फ्री ऑपरेशन जिसका एक एक ऑपरेशन का 25,000 रुपया खर्च आता है, उसमें से 8,000 ऑपरेशन वहां हो चुके हैं। समय की सीमा है, मैं इतना ही बताऊंगा कि 8,000 ऑपरेशन हो रहे के कारण अभी इस 15 अगस्त 2019 को कलेक्टर जिला कलेक्टर राजसमंद द्वारा उसे सम्मानित की गई है और वो भी पैसा हमारे इस जैन समाज से आ रहा है। तो मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा कि महाराज साहब श्री का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इस अवसर पर हमसे हुई गलतियों के लिए हम सभी आप महापुरुषों से क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा देवें और उदार दिल से हमें क्षमा करें। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति शांति। जयमल जी महाराज ने जो त्याग किया तपस्या की, हमें कोई संकल्प लेके जरूर जाना है, हम यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं उठ रहे हैं बातें कर रहे हैं, हमारा आने का मतलब है जयमल जी महाराज की जन्म जयंती पे कोई न कोई हम त्याग करे। इन्होंने धन का त्याग किया, धन्यवाद है मंच पे बैठने वालों को, धन का त्याग भी बहुत मुश्किल से होता है। 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय, बार बार आ रहे हैं।
ये भी सिंगर है, बहुत सुंदर गाता है। तो जनता क्या, क्योंकि इनकी अनुमोदना भी जरूरी है। इतने लोग बैठे हैं जिनकी मन की इच्छा होगी वही धन निकालना भी बहुत मुश्किल है। पैसा परिश्रम और पुण्य से मिलता है, मगर दातारों का मजा यही है खाने और खिलाने में। दातारों का लाला जी, दातारों का मजा यही है खाने और खिलाने में, के कंजूसों का मजा यही है जोर जोर मर जाने में। कंजूसों का मजा यही है जोर जोर मर जाने में। तो ऐसे दातार जो देवानुप्रिय बैठे हुए हैं उनको भी हमें बहुत बहुत अनुमोदना करनी है। आप जीव दया में कबूतरों के अंदर जयमाला चक्रमान समिति में औषधि के लिए जो ये हॉस्पिटल चल रही है, संघ के अंदर जय जैन गौशाला के अंदर एक साथ ही बोल देती हूँ मैं, जय आनंद जन प्रमाण। जो भी हमारी गुरु माता जयमाला जी महाराज के आशीर्वाद से और प्रेरणा अपने साधुओं की प्रेरणा से ही जितना भी काम होता है वह तपाचार्य जयमाला जी महाराज के नाम से ही, चाहे सेवा का हो, चाहे प्रमाद का हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कोई भी कार्य हो, माँ सती जी की बिना प्रेरणा कोई भी कार्य वहां पर क्या ऐसा। आप अपनी मर्यादा के अंदर सारा कार्य कर सकते हो, लेकिन अपार मेहरबानी रही है दिल्ली टू बॉम्बे हाईवे रोड के ऊपर तपाचार्य जयमाला जी महाराज, लालगंज सा जहाँ साधु साध्वी के रुकने की व्यवस्था नहीं, जहाँ आरती व्यवस्था नहीं। हमारी जैन कॉन्फ्रेंस ऐलान तो बहुत करती है दुनिया में कि हम स्थानक बनाते हैं, हम क्या सेवा करते हैं, हम ब्यावच करते हैं, हम ब्याह करवाते हैं, मगर उस एरिया में जब हमने चौमासा किया तो वह साधु साध्वी के रहने की कोई भी क्या नहीं थी। नंदावत में घर में लोग रुकते थे साधु साध्वी, ऐसा लक्ष्य सोच करके मैं जैन कॉन्फ्रेंस पूरी दिल्ली से कहना चाहूंगी कि वहां पर इतना विशाल साधु साध्वी के रुकने के लिए आज जब 365 दिन भोजनशाला क्या है चलती है, जमीकंद का प्रयोग नहीं होता है और सूर्य अस्त से पहले वहां की भोजनशाला क्या हो जाती है, बंद ऐसा हो जाती है। अगर किसी को भी त्याग है और 25-25, 50-50 किलोमीटर में इधर ब्यावर, इधर देवगढ़, इधर कांकरौली तक साधु साध्वी की हमारा जय आनंद जन प्रमाण क्या करता है। बंटी का काम कोई भी हो साधु साध्वी का तो बंटी ही काम करता है। कौन करता है? आपका आदेश 50-50 किलोमीटर पे ये साधु संतों के आर लेकर के विमल भाई जय 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 आनंद जन प्रमाण अपने घर से क्या करता है ले जाता है। गुरु भक्त बंदी जैन ब्यावर आज साज, आज साज और बोलेगा छोटा सा सिंगर है, देखिए वो यहाँ का ही है, उनका उत्साह बढ़ाइए और बहुत अच्छा गाता है। इतना बच्चा, आपके बच्चे को माइक पकड़ना नहीं आता, मेरे साथ चली रहती है, 10 बार मनवार करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ जब तैयार होती है। और धन्यवाद है इनके माँ बाप को जो एक छोटे से बच्चे को मंच पे लाना कैसे तैयारी की है। माताएं अगर तैयार करना है तो ऐसे बेटे करो, खाली सीए एमए इंजीनियर सुबह बेटे जावे शाम का पाछी आवे नहीं, ऐसे तैयार करो अपने बच्चों को। सुनो आप इनको 2 मिनट के लिए बोले महावीर स्वामी भगवान की। सबसे पहले गुरु माता और दादा गुरु के चरणों में मेरा शैक्षण बंद है। आपके सामने 2 भजन लेके आया हूँ कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों में सजावट देखी, लेकिन सालों देखा है माँ को उसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो क्या कहती है, माँ बाप को ठोकर मारती है तो क्या कहती है, पढ़ती है हर वे पढ़ती है दिलों पे मार, मगर
अगर माँ बाप नहीं बदले बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले कि माँ का दिल लजना जवाब होता है, प्यार इसमें बेहिसाब होता है। कोई बेटा अपनी माँ से प्यार करे या ना करे, माँ तो अपने हर बेटे से प्यार करती है। कि माँ ही मंदिर और माँ ही तीर्थ होती है, माँ के चरणों में यारो जन्नत होती है। और पिता, पिता क्या होता है? और पिता है जन्नत द्वार, और पिता है जन्नत द्वार। पिता का प्यार नहीं बदले बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। प्रेम से जगाया लगाई हो अपने माता पिता की, अपने माता पिता की। आइए एक भजन गुरु माता के ऊपर। ओ गुरु माता रो चेलो बनो मैं, थारो भक्त बनो मैं, हर पल थारे साथ जाऊ मैं। जय माला मासा थारो चेलो बनो मैं, थारो भक्त बनो मैं, हर पल महासती श्री चंद्र प्रभा जी महाराज का भी आज
50वां जन्मदिन है। ये सभी साधु संत जो हमारे जो हमें धर्म के रास्ते पर चला रहे हैं, धर्म के मार्ग पर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो इन्हीं के चरणों में आकर के हमें मिलता है। और हम जब भी इनके के दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें पवित्र हो जाती हैं। मेरे बीच में मत रुको, कोई भी बात सुनते हो तो हृदय में भी 10 मिनट का काम है। धर्म के प्रति करुणा दया का भाव मन में आता है। मैं कहूँगा महाराज श्री जी जो चंद्र पर बाजी हैं, इसी प्रकार धर्म के आगे मार्ग पर बढ़ती रहें और हमें मार्गदर्शन देती रहें। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जी ने और शास्त्री पार्क जैन समाज का धन्यवाद कि उन्होंने हमें आमंत्रित करके हमारा सम्मान बढ़ाया। जय वीर जय महावीर, जय 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 जय। और अब कबूल नगर श्री संघ के कैशियर श्री गौरव जैन जी 2 मिनट अपनी बात रखना चाहते हैं। आज जैसे कि आप सबको विदित है कि हम दादा गुरुदेव श्री जयमल जी महाराज साहब का 312वां जन्म कल्याणक मनाने के लिए उपस्थित हुए। जन्म कल्याणक किन लोगों का मनाया जाता है? जिनका जन्म इस मानव जाति इस पूरी कायनात के कल्याण के लिए हुआ। और ऐसे दादा गुरुदेव जिन्होंने खड़े खड़े प्रतिगमन पूरा स्मरण कर लिया हो, बड़ी साधु वंदना की रचयिता, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन 4 पंक्तियों के साथ तुमको वंदन जरूर करूंगा कि क्या आज उनका महत्व हमारे जीवन में हमारे समाज के लिए है। जो है प्रकाश पुंज गीत राग ज्ञान, जो है प्रकाश पुंज गीत राग ज्ञान, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के है वर्तमान में, अवतार महावीर के है वर्तमान। मैं शास्त्री पार्क जैन समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया। और मैं गुड़ी में गया श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में भी नमन करना चाहता हूँ जो इस परिपाटी को यहाँ पर जीवन करते हुए आप सभी को इस धर्म का लाभ देने का मौका अवसर प्रदान दे रहे हैं। प्रभु महावीर स्वामी के सदा जय हो। एका भंगारी दादा गुरुदेव श्री जयमल जी महाराज साहब की सदा जय हो। कुछ आएगा और पतझड़ की हरियाली है ये आखिर में ढल जाएगी, एक दिवस तेरी भी डोली यूं ही उठा ली जाएगी, चंदन की उच्चता भले ही आखिर राख बनाएगी, उस दिन तेरी सारी हल्दी मिट्टी में मिल जाएगी, सभी देखते रह जाएंगे यहाँ उससे उठ जाएगा। बंधु धन्यवाद। आचार्य श्री जयमल जी के जन्म के विषय में, उनकी दीक्षा के विषय में, उनकी वैराग्य के विषय में, उनकी स्मृति के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में महासती आशा जी महाराज ने आप लोगों को विस्तार से बतला दिया। मैं केवल 2 ही बात उनके विषय में कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा समय भी 2 मिनट का ही है। सर्वप्रथम ये है कि उन्हें वैराग्य क्यों आया था। जब वो मेड़ता शहर में भूदक मेड़ता शहर में भूदक जी महाराज का प्रवचन सुनने के लिए चले गए तो वहाँ निमित्त ऐसा बना कि भूदक जी महाराज आज सुदर्शन जी सेठ सुदर्शन और ब्रह्मचर्य के विषय में प्रवचन फरमा रहे थे। और उस समय जो महारानी अभिया थी उन्होंने कपिला दासी के माध्यम से शेख सुदर्शन को अपने यहाँ बुला लिया था और वो चाहती थी कि शेख सुदर्शन
उनके साथ सांसारिक संबंध रखे, लेकिन शेख सुदर्शन ने अनुव्रत लिया हुआ था। तीन करण दो योग से उन्होंने जो व्रत लिया था और उस व्रत के माध्यम से उन्हें सभी स्त्रियों को वो अपनी माता बहन या बेटी के बराबर समझते थे। लेकिन जब अभिया महारानी ने यह समझ लिया कि अब उसका जाल चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने प्रिया चरित्र रचा और प्रिया चरित्र रचकर शेख सुदर्शन पर आरोप लगा दिया कि वो उन्हें छेड़ रहे, और राजा ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन राजा ने उन्हें सूली तो दे दी, और जब वो सूली का हुक्म मंजूर था शेख सुदर्शन को, वो सूली टूटकर सिंहासन बन गए। तो उस समय हमारे नवयुवक जयमल जी महाराज के मन में ये विचार आया था कि यदि तीन करण दो योग से लिया हुआ अनुव्रत सूली का सिंहासन बना सकता है, तो तीन करण तीन योग से लिया जाए, यदि आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया जाए, तो वो मोक्ष कितनी दूर हो सकता है। अपने कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि दिगंबर जैन समाज शास्त्री पार्क के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, और महामंत्री श्री विकास जैन बंटी जी, मेरा निवेदन है कि कृपया वो आगे आए हैं, शीशन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं महिला मंडल से अपने महिला मंडल से अनुरोध करूंगा कि आज हम यहाँ श्री जयमल जी महाराज साहब की 312वीं जन कल्याणक जन महोत्सव के साथ साथ हमारी गुरुनी श्री चंद्रप्रभा जी महाराज साहब का भी 50वां जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं। तो महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि वो आए और वो चतुर्मास समिति की तरफ से, और श्री हमारे अध्यक्ष श्री धर्मपाल जैन जी भी कुछ भेंट महाराज श्री जी के लाए हैं। मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा सभी से कि कृपया वो महाराज श्री जी को आज महासंदी श्री चंद्र प्रभाजी का जन्मदिन है, उनका मनसा जैन सभा चतुर्मास समिति और जैन महिला एकता मंडल चंदन महाराज मंडल सभी ओर से महाराज श्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। एक बात और, कल मैं महाराज श्री जी के प्रवचन में दिगंबर जैन मंदिर गया था, उसने प्रधान जी को और मानव जी को अर्थात हुए हमारे जो वहां के पंडित जी थे जो पूजा कराते हैं, मैं उनसे निवेदन करा था कि कल अपना कार्यक्रम 9:30 तक कार्यक्रम खत्म कर थाना की यहाँ अस्पताल में भवन पहुंचने की कृपा करें, तो उन्होंने ऐसा हमारी विनती कल स्वीकार करी। मैं उन सभी का जो भी यहाँ पर पधारे हैं उनका ऐसे जैन समाज की ओर से चतुर्मास समिति की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, खासकर हमारे प्रधान श्री देवेंद्र जैन और विकास जैन पंडित जी का और दिगंबर जैन महिला मंडल का सबका अपनी समाज की ओर से हार्दिक आनंद और धन्यवाद करता हूँ।